तो है गाइस 8 कोर वाला प्रोसेसर अगर 55,000 रुपए में मिल जाए तो मतलब क्या कहने, क्या ही कहने। वही वाला गेमिंग लैपटॉप, जी हाँ, 8 कोर वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप जो है मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के ले आया हूँ। नाम है उसका Asus VivoBook 14। अब ये वाला जो लैपटॉप है ये 55,000 रुपीस के अंदर आता है, और जो 50,000 रुपीस के ऊपर वाली कैटेगरी आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि गेमिंग भी जो है ना हम थोड़ी बहुत ही कर लें तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या आप इस वाले लैपटॉप के अंदर गेमिंग कर सकते हो, इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशंस भी जानेंगे और कौन सा प्रोसेसर है 8 कोर वाला उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। 3500 सब्सक्राइबर्स हम लोगों को क्रॉस करने हैं जुलाई का महीना खत्म होने से पहले, तो फटाफट से जाओ और चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Asus VivoBook 14 के प्रोसेसर के बारे में। Ryzen 7 4700U प्रोसेसर है इसके अंदर, 8 कोर्स और 8 ही थ्रेड्स हम लोगों को इसके अंदर मिलते हैं। अब 8 कोर और 8 थ्रेड्स हैं, कुछ झोल है, बात करेंगे इसके आगे। जो बेस फ्रिक्वेंसी है इस वाले प्रोसेसर की वो है 2.1 GHz और जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 4.1 GHz, तो क्लॉक स्पीड तो भाई बहुत बढ़िया। ये वाला जो प्रोसेसर है ये आता है Radeon R3 के साथ, तो इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप कुछ खास गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप GTA 5 को 720p पे भी चलाओगे ना तब भी आपको 30 FPS से ऊपर नहीं मिलेंगे, मतलब अनप्लेएबल एक्सपीरियंस मिलेगा इस वाले लैपटॉप के अंदर, तो गेमिंग आप इस वाले लैपटॉप में नहीं कर पाओगे। ये वाला जो लैपटॉप है ये 8GB की रैम के साथ आता है 3200 MHz वाली, और इसके अंदर हमको 512GB की लगी लगाई SSD मिलती है, तो थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमको। Asus VivoBook 14 की जो डिस्प्ले है 14 से पता चल रहा है कि 14 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले होगी। 1920x1080p वाली इसकी रेजोल्यूशन यानी कि फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है और 45% NTSC के साथ आती है, तो अच्छी डिस्प्ले है 200 nits वाली ब्राइटनेस के साथ है। आउटडोर तो देखो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं लेकिन इनडोर में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। जो इसकी बैटरी है वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी, 42 Wh की बैटरी है और सिर्फ 45 W का आपको चार्जर मिलता है। इतना तो यार आजकल फोन में ही आ रहा है तो क्या फायदा है इसका, तो फास्ट चार्जर नहीं है और जो बैटरी है वो भी थोड़ी सी लो है, ये थोड़ा सा मुझे चक्कर लगा। अब हम लोग बात करते हैं Asus VivoBook 14 के डिजाइन के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। Asus का जो डिजाइन होता है यार वो हमेशा हर लैपटॉप से डिफरेंट ही होता है, हर सीरीज का डिजाइन अलग होता है। टफ सीरीज का ले लो तो वो अलग ही आ जाता है एकदम, ROG सीरीज का ले लो तो वो एकदम अलग आ जाता है, और VivoBook सीरीज के बारे में बात करें तो यार बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डिजाइन लगता है अगर आप ऑफिस वगैरह लेके जाते हो तो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 1.45 kg का है तो बहुत ही ज्यादा हल्का भी है, तो ओवरऑल जो डिजाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको एल्यूमिनियम बिल्ड मिलती है तो वो तो और भी बढ़िया बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है कि ये आपको क्या क्या करवा के दे सकता है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है ये इतना भी अच्छा नहीं है, 8 कोर्स का प्रोसेसर जरूर है लेकिन इसके साथ जो थ्रेड्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 है। अब आप सोच रहे हो यार कोई बात नहीं थ्रेड्स हमें कुछ नहीं लेना, कोर्स तो ज्यादा है ना। मैं आपको एक बार फंक्शनैलिटीज बता देता हूँ कि कोर्स के क्या फंक्शन होते हैं और थ्रेड्स के क्या फंक्शन होते हैं। कोर जो है आपको ज़्यादा टास्क ज़रूर करवा सकता है कि मेरे अंदर 8 कोर हैं तो मैं आपको 8 प्रोग्राम खोल के दिखा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। और जो थ्रेड्स है उसका काम होता है कि वो उन टास्क को स्मूदली रन करे और तेज रन करे। तो जो 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होता है ना तो उसके थ्रेड्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा स्पीड से काम करके आपका जो टास्क है उसको स्मूदली रन करवाएगा। और अगर आप 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स हैं तो यार वो स्मूदली तो नहीं होगा, आप मल्टीटास्किंग जरूर ज़्यादा कर पाओगे लेकिन वो स्मूदली नहीं हो पाएंगी। तो यही जो है दिक्कत है इस वाले प्रोसेसर के साथ कि 8 कोर के साथ तो आता है लेकिन है थ्रेड्स 80। 8 कोर्स और 16 थ्रेड वाला CPU तो एकदम अलग ही होता है, उसकी जो मल्टीटास्किंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ 8 कोर्स पर मत ध्यान दो, 8 थ्रेड्स पर भी ध्यान दो। ये जो होती है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि एक बड़ा नाम लगा देते हैं, जैसे थंबनेल में मैंने फोटो लगाई 8 कोर्स वाला लैपटॉप और आप ये वीडियो देखने आ गए फटाफट से, ठीक वैसी ब्रांड्स भी ऐसा करती हैं। अब सबके ये पल्ले नहीं पड़ा होगा तो थोड़ी सी आसान भाषा में समझा दूं कि आप इस वाले लैपटॉप में गेमिंग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको GTA 5 जैसी गेम चलानी है तो आप भूल जाओ कि आप चला पाओगे, AAA टाइटल्स तो आप चला ही नहीं सकते। अगर आपको CSGO खेलनी है, अगर आपको Valorant जैसी गेम्स खेलनी है तो ये लैपटॉप हाँ परचेज कर सकते हो, ऐसी गेम्स आप जरूर इसके अंदर चला सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स रिलेटेड या फिर AAA टाइटल्स जो है आप इस पे बिल्कुल भी मतलब 30 FPS से ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं। तो गेमिंग के लिए अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है, अगर आप मॉडर्न AAA टाइटल्स खेलना चाहते हो तो बिल्कुल ना है मेरी तरफ से, और अगर आपको Valorant जैसी गेम्स खेलनी है
आपने सीएस को जैसे गेम्स खेली, कॉम्पिटिटिव गेम्स खेली हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं यूज़ होते, तो फिर आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्राइस सेगमेंट पे गेमिंग के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो जाके। लेकिन ये ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम इसको स्टूडेंट की नज़र से देखें जिसको रोज कॉलेज लेके जाना होता है लैपटॉप को। तो 14 इंच की डिस्प्ले है जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगी, और दूसरी बात जो वेट है वो सिर्फ 1.45 किलोग्राम्स है, वो भी बढ़िया है। एल्यूमिनियम बिल्ड है तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर वैलोरेंट जैसे गेम्स खेलते हो तो वो भी इसके अंदर चल जाएगी। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम एक गेमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लैपटॉप उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसके लिए अच्छा होगा और किसी के लिए नहीं अच्छा होगा ऑब्वियसली। और अगर आपको ये लैपटॉप ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा आराम से काम कुम करूँगा इसके अंदर और घर आ जाऊँगा, तो ये ऐसे लोगों के लिए लैपटॉप बना है, ऑफिस यूज़ के लिए, स्टूडेंट यूज़ के लिए। आप इससे ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं कर सकते हो, अगर आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है तो आप इसके अंदर नहीं कर सकते हो। कोडिंग वगैरह ज़रूर कर सकते हो, लेकिन गेम डेवलपमेंट हो गई, जितने भी हैवी टास्क हैं वो आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं वीडियो एडिटिंग अगर आपको करनी है या फिर फोटो एडिटिंग करनी है, वो इस वाले लैपटॉप में हो जाएगी, क्योंकि वो एक सीपीयू रिलेटेड टास्क होता है। तो बस यार इस वीडियो को देखने रखते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप हैवी यूजर हो तो आप इसको बिल्कुल भी मतलब सेकंड थॉट भी मत रखो, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ आप इस वाले लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बाकी का कंटेंट पसंद आएगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 3500 सब्सक्राइबर्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जुलाई से पहले। बाकी यार मैं वीडियो में टॉपिक साथ में, तब तक के